नोएडा में यथार्थ अस्पताल को प्रदेश सरकार ने कोरोना अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के उपचार के लिए 200 बेड तैयार कर लिए गए हैं। अब यहां कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी का इलाज नहीं किया जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के यथार्थ अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज फ्री में नहीं होगा, बल्कि उसके लिए भारी भरकम राशि चुकानी पड़ेगी। नोएडा में अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनकर तैयार हैं, जहां पे L1, L2, L3 यानी कि सिम्टोमैटिक, एसिम्टोमैटिक, सस्पेक्टेड पेशेंट्स, ये तमाम कोविड पेशेंट्स का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया जाएगा, लेकिन ये पेड ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर कपिल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर कपिल, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के, आप लोग कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि L1, L2, L3 तीनों तरह के पेशेंट्स अब आपके यहाँ ट्रीट किए जा रहे हैं, कब से शुरू हुआ है? जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे थे तो और लोगों की अपेक्षा भी ऐसी थी कि वो प्राइवेट में ट्रीटमेंट लें, तो इसके लिए 10 दिन पहले करीब 4-5 मीटिंग हुई हमारे जिलाधिकारी महोदय से, और सब कुछ यही चल रहा था कि इसमें हम रेट्स को किस तरीके से इसकी कैपिंग करें, कैसे हम रिवाइज रखें, और सब कुछ बातें मीटिंग 4-5 मीटिंग लगातार चली, इसकी 4-5 दिन लगातार मीटिंग चली, और उसके बाद में एक ये बात आई कि एक मिनिमल रेट जो भी हो सकता है उस रेट को उसको फिक्स किया गया। और उसके बाद में हमारे जैसे तीन हॉस्पिटल हैं, तो ये नोएडा एक्सटेंशन का जो हॉस्पिटल है इसको हमने कोविड के लिए डेडिकेट किया, और इसमें 200 बेड्स हैं जो पूरे के पूरे हमने इसको कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं। जिले का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल 200 बेड्स कैपेसिटी के साथ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनके तैयार है। इसमें जो तमाम सुविधाएं हैं उसको डॉक्टर कपिल खुद बता रहे थे, किस तरह से हर वार्ड के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जिस तरह से पेशेंट जो मरीज हैं उनके परिजन जो हैं जिस तरह का वार्ड चाहते हैं वो उनको अवेलेबल कराया जाएगा, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए या फिर उनका डे टू डे बेसिस पे उनको जो मूवमेंट है बरकरार रखने के लिए अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनको यहाँ पर कराई जा रही है। नोएडा से बीरजल सुमित कुमार के साथ हर्ष संधवानी, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।